करेंगे पलटा करो, देखो पानी कैसे गिर रहा, पानी कैसे गिरा, पानी देखो चेक करके। 15 दिन में गैस खत्म हुआ है, 15 दिन में गैस, जहाँ महीना दिन में मेरा गैस खत्म होता, 15 दिन में गैस खत्म हुआ मेरा। चेक करो पानी भरा हुआ पूरा सलाद में, इसमें 7 kg पानी भरा हुआ इसमें। देखिए पानी निकल रहा, पानी डिलीवरी जो आपका होता है उसमें पैसा लिया जाता है? ऐसा कुछ बात नहीं। क्या जी, होम डिलीवरी में खुशबक्ती लोग 5-10 देता है, अलग बात है। खुशबक्ती कितना देते हैं? 55 रुपया। ये 55 रुपया खुशबक्ती होता है क्या? ये आपके सामने में है ना? है तो कंज्यूमर ने माना जा सकता है। अगर आपके घर में रसोई गैस 15 दिन में ही खत्म हो जा रहा है तो हो जाइए सावधान, आपके रसोई गैस में भरा हो सकता है पानी। जी हाँ, ये चौंकाने वाली खबर गोड्डा से आई है, जहाँ रसोई गैस में पानी पाया गया है। गोड्डा में रसोई गैस सुर्खियां बटोरने में बिल्कुल पीछे नहीं रहता। इससे पहले आपने खबर देखा होगा रसोई गैस सिलेंडर के होम डिलीवरी पर किस तरह अतिरिक्त रुपये लिए जाते रहे हैं। आज भी अमूमन घरों में रुपये लिए जा रहे हैं। वहीं इस बारे में कौशल्या गैस एजेंसी गोड्डा के मैनेजर का कहना है, लोग खुशबक्ती में पैसा देते हैं, कोई जबरन नहीं मांगता, 5-10 रुपये दिए जाते हैं। जबकि गोड्डा वासी इससे बिल्कुल असहमति जताते हुए कह रहे हैं, धमकी देकर पैसा लिया जाता है, दोबारा सिलेंडर न लाने की धमकी दी जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमें सूचना दीजिए, हम इस पर प्रमुखता से खबर दिखाएंगे। वहीं इस बार जो खबर आई है उसे सुनकर यकीनन आपके कान खड़े हो जाएंगे। गोड्डा के रहने वाले वसीम के यहाँ रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी की गई। आम दिनों की तरह वसीम ने रसोई गैस का इस्तेमाल लेना शुरू कर दिया, लेकिन हर महीने की तरह इस बार उनके घर में गैस सिलेंडर 1 महीने न चलकर सिर्फ 15 दिनों तक चला। 15 दिनों में रसोई गैस का खत्म होना इसके परिवार के लिए बहुत नया था। तभी बर्नर चूल्हा सहित गैस पाइप की जाँच कराई गयी। वसीम ने इसे लेकर चूल्हे और गैस मरम्मत ठीक करने वाली दुकान से संपर्क किया, जहां उन्हें मालूम हुआ इनके LPG सिलेंडर में पानी भरा हुआ है। यह जानकर वसीम के होश उड़ गए, वो भागे भागे गोड्डा के कौशल्या गैस एजेंसी पहुंचे। LPG गैस एजेंसी की ओर से कहा गया, ये सिलेंडर में गैस भराव के दौरान ही हुआ होगा। वहीं बता दें, रसोई गैस की होम डिलीवरी को लेकर अक्सर ये कहा गया है कि तय मूल से अधिक रुपये लिए जा रहे हैं। इसे लेकर कौशल्या गैस एजेंसी के मैनेजर ने साफ मना किया। हालांकि गोड्डा की जनता आज भी कह रही है 30 से 55 रुपये तक उनसे अतिरिक्त रुपये लिए जाते हैं। रुपये देने से मना किए जाने की स्थिति में डिलीवरी पर्सन भड़क जाता है और दोबारा होम डिलीवरी नहीं देने की धमकी दी जाती है। चूल्हा खराब होगा, चूल्हा लेकर मिट्टी पर चूल्हा ठीक है, चूल्हा खनकन है, हमारा सिलेंडर इतना भारी ले कहाँ जाएंगे सर दुकान पे हम। उसके बाद सिलेंडर जब लेके हम गए, देख रहे थे जब किया, पूरा पानी निकल रहा सिलेंडर से। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा वसीम नाम हुआ मेरा। क्या करते हैं? हम लैब टेक्नीशियन है। लैब टेक्नीशियन है। घर कहाँ आपका? असन बनी घर है। क्या दिक्कत है? दिक्कत सर वही सर कि मेरा 1 महीना चलना चाहिए सिलेंडर सर, मेरा 15 दिन में मेरा खत्म हो गया, वही चीज के लिए हम आए थे यहाँ पे। मतलब हर बार जो सिलेंडर ले जाते थे 1 महीना चलता था, और इस बार 15 दिन में मेरा। कैसे पता चला आपको? सर हमको 15 दिन जब हुआ देखे मेरा सिलेंडर बंद हो गया, हमको लगा क्या इतना जल्दी कैसे खत्म हुआ। तो हम जब सिलेंडर उठा गए चला पूरा, मतलब वजन पूरा सिलेंडर, हमको लगा मेरा चूल्हा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। चूल्हा मिस्त्री पास ले गए, मिस्त्री पास ले गए दुकान में, वहाँ बोला लाट मेरा ठीक है। तो हम बोले ठीक है, हम सिलेंडर लेकर आते। सिलेंडर जब लेकर गए वो चेक किया, बोलता है पानी भरा हुआ है। बोले क्या बोलते हैं गैस या पानी कैसे भरेगा? मतलब पानी भरा हुआ है। तो वो क्या किया, वो पैंट, हमको यकीन पानी कैसे भरेगा उसमें, वो पैंट डाल कर दिखा, बोला देखो पानी भरा हुआ है। मैं इससे मेरा बोले बाप रे, वही से हम यहाँ आए सुबह, हम लेके आए पानी तो कम सिलेंडर ऐसा था इसमें, वो कुछ नहीं कोई भरा नहीं सकता। क्या दिक्कत हुआ, कहाँ दिक्कत हुई होगी? दिक्कत प्लांट में हुआ होगा। प्लांट में हुआ होगा, यहाँ थोड़ा हम कुछ कर सकते हैं इसमें। यहाँ ट्रक लगा हुआ यहाँ दे रहे हैं, ऐसा थोड़ा है जिसको घर से ला के कुछ करता है, इसको खोलने की क्षमता है किसी को, नट खोल दे और फिर गैस भरा, ऐसा नहीं होता। वहाँ होता है जब पंचिंग करते हैं चेक के लिए, उसी में ज़्यादा देर तक दबा रह गया, उसी से बस पानी। एक शिकायतें और भी आ रही कि होम डिलीवरी जो आपका होता है उसमें पैसा लिया जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं। क्या जी, होम डिलीवरी में खुशबक्ती लोग 5-10 देता है, अलग बात है। खुशबक्ती कितना देते हैं? 55 रुपया। ये 55 रुपया खुशबक्ती होता है क्या? ये आपके सामने में है ना? है तो कंज्यूमर ने माना जा सकता है 55 रुपया क्यों देगा ऐसा लोग, क्या लग रहा है ऐसा 55 रुपया दे सकते हैं अभी? क्यों देंगे? 1000 रुपया दे, मतलब दे सकते हैं, 55 रुपया नहीं दे लीजिए, तब दे सकते तब 1 लाख दे सकते हैं आप। नहीं अच्छा एक बात बोलिए, जब आप अलग बात है, आपको जानकारी है वो ये नहीं देना, मत बोलिए कि दे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, दे नहीं सकता, मत बोलिए खुशबक्ती के नाम पे दे सकते 5-10 रुपया। अच्छा एक बात बताइए कि आपसे क्या कहता है कि ऐसे ही दीजिए या प्रेशर डाला जाता है? मतलब बोलता हम दे रहे हैं तो हम लोग भी, चलो भाई हम लोग सब काम धंधा वाला आदमी है,
घर में ला के दिया, मतलब दो चार पाँच रुपया दिया हो गया यार, क्या ठीक है होम डिलीवरी के चार्ज के नाम पे पैसा लिया जाता है, सब क्या कर रहे यार झूठो के तुम। अब जब जो भी सर घर में ला के दिया सर होम डिलीवरी ले आ जाओ, लेकिन अगर मैं कुछ शिकायत हो तो शिकायत रोज हमारी एक्स्ट्रा गाड़ी खोरा क्या, तो शिकायत आप पा रहे बताइए तो, हमारे पास तो ढेरी शिकायत आता है। अरे गाग दुगो अलग बात है, एकागो भेंडर बदमाश हो जाता है, वेंडर सब तो ये कहते हैं कि जो उनका ढुलाई का पैसा है आप लोग नहीं देते हैं, कौन नहीं देता है आप लोग, वैसे वो काम कर रहा है नहीं, वो तो अपना सोर्स ऑफ इनकम खुद जनरेट कर रहे हैं, वैसे इतना वर्कर खट रहा है रोज, हमारा एक्स्ट्रा गाड़ी खाली हो रहा है, यहाँ से कहूँ कैसे बिकता है, 25 नहीं बिकता है, बाद में सब होम डिलीवरी नहीं जाता। सर क्या नाम हो आपका? क्या है आप गैस एजेंसी के मैनेजर? ऐसी फ्रॉस्टिंग देखी क्या, केक सज्जा का अनोखा भंडार, चॉकलेट वाली फ्रॉस्टिंग पर कतरी चॉकलेट का मजा, जिलेटिंग वाली आइसिंग पर किंगडम वाली जिमीज, मिस्टर एंड मिसेस का वेडिंग केक या फिर बच्चों का कोको केक, राजधानी केक एंड बेक पैलेस देखा क्या, गोड्डा के गंगटा में है हम, अब जल्दी आ भी जाओ, केक सच कर है तैयार।